तो भैया ये देख सकते हो यार, इतना पानी है जो कि हमारी गद्दा गाड़ी ना बहुत ही डिफ़िकल्ट फील कर रही है। ये देख सकते हो कितना पानी है यार, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था आपको कि रात बारिश हुई थी, दैट्स वाई ना बारिश की वजह से हर जगह पानी और कीचड़ और दलदल वगैरह है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, वेलकम बैक अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है यार आप सभी ठीक ठाक होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। सो सुबह के हो रहे हैं ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं, मैं आ चुका हूँ अपने डेयरी फार्म और ये मेरे हाथों में देख रहे हो ये है चादरें। सो मैं जा रहा हूँ घास काटने के लिए, लेकिन यार सीन कुछ हुआ है कि ना, रात आई बारिश ऑलमोस्ट जो कि 3-4 बजे, सुबह के 3-4 बजे बारिश आई। सो उसके बाद जो कि मौसम बहुत ख़राब हो चुका है, जहाँ भी देखो यार दलदल है, कीचड़ है, बस हल ना पूछो यार। बस ये मैं आपको दिखाता हूँ क्या सीन है। सो पीछे मेरा डेयरी फार्म भी देख सकते हो, गाय वगैरह अंदर खड़ी हैं, हम जा रहे हैं घास काटने के लिए। और इसके अलावा मैं आपको सीन दिखाता हूँ यार, बहुत ही कीचड़ है यहाँ डेयरी फार्म में, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट सीन है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो इसलिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। इससे पहले यार जान को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो भैया ये देख सकते हो मैं हूँ डेयरी फार्म में, लेकिन ये क्या, ये जो पंखा नहीं चल रहा, मेरे ख्याल में इसे स्टार्ट करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चल जा चल जा। इसे क्या हो गया यार, मेरे ख्याल में यार ये ख़राब हो चुका है जो कि नहीं चल रहा, देख सकते हो पता नहीं क्या सीन है। सो एक और देख देखते हैं पंखा, ये तो चल रहा है सामने वाला, और इसके अलावा ये भी चल रहा है, ये देख सकते हो क्या सीन है। लेकिन ये जो पंखा है सामने वाला ना, ये नहीं चल रहा, इसे एक बार ट्राई करते हैं कि देखते हैं कि चलता है या नहीं चलता। पता नहीं यार इसे क्या हो गया, ये भी नहीं चल रहा। तो भैया ये देख सकते हो पीछे क्या कीचड़ है यार, क्योंकि यार बारिश हुई थी रात, सो दैट्स वाई आप हर तरफ यहाँ ना डेयरी फार्म में कीचड़ देख सकते हो। अब यार जहाँ तो गाय वगैरह नहीं बैठ सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा कीचड़ है, अल्लाह करेगा आज ना सूरज वगैरह निकलेगा। सो उसके बाद ये मेरे ख्याल में सीन कुछ बनेगा, गाय वगैरह बैठ पाएंगे, अदरवाइज यहाँ बैठना बहुत ही मुश्किल है। ये देख सकते हो क्या कीचड़ है, इसलिए हमने ना सुबह सवेरे ही अपने ना गाय वगैरह को अंदर बांध दिया है, ताकि ना यहाँ नीचे कीचड़ है तो यहाँ तो नहीं बैठ पाएंगी, दैट्स वाई। सो अब हम चलते हैं घास काटने के लिए, आगे मैं आपको भी सीन दिखाऊंगा। यार घास काटने तो जा रहे हैं लेकिन बहुत ही डिफ़िकल्ट सीन है, क्योंकि वहाँ ना वहाँ भी कीचड़ है। सो घास काटना भी बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कोई नहीं, देखते हैं कि क्या बनता है। तो भैया ये देख सकते हो यार, इतना पानी है जो कि हमारी गद्दा गाड़ी ना बहुत ही डिफ़िकल्ट फील कर रही है। ये देख सकते हो कितना पानी है यार, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था आपको कि रात बारिश हुई थी, दैट्स वाई ना बारिश की वजह से हर जगह पानी और कीचड़ और दलदल वगैरह है। और इसके अलावा ये देख सकते हो कि जो कि हमारी गद्दा गाड़ी ना चल नहीं रही, क्योंकि देख सकते हो क्या सीन है, ये भैया देख सकते हो क्या सीन है। लेकिन कोई नहीं, देखते हैं कि क्या सीन आगे बनता है। तो भैया रास्ते पर जा रहे थे हम, मैंने सोचा ना पीछे मैं आपको ये छोटी सी नदी दिखाता हूँ। गई ये जो नदी है ना हमारे गांव को सैराब करती है, लेकिन अब खुश्क हो चुकी है। रीतन ये है कि ना बारिशें, बारिशों की वजह से ये खुश्क है, क्योंकि अब पानी वगैरह की ज़रूरत नहीं है फसलों को, दैट्स वाई ये खुश्क हो चुकी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो कि बाजरा वगैरह का घास भी काटेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम घर जाएंगे। सो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर बने रहना है। इससे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए।
फाइनली भैया देख सकते हो हम पहुंच चुके हैं अपने जो के खेतों में। ये सामने मेरे पीछे देख सकते हो क्या सीन है यार, ग्रीनरी चेक कर सकते हो, घास वगैरह देख सकते हो। ये जो मेरे पीछे घास आपको दिखाई दे रहेगा ये है बाजरे का घास, सो हम इसे काटेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम अपने घर जाएंगे। सो पीछे मेरे आप देख सकते हो कि जो कि गधा गेड़ी वो भी चारा वगैरह खा रही है, बस उसके बाद कहीं हम घास काटते हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर बनना, चलते हैं देखते हैं कि क्या सीन है। सो यार जो कि ना नीचे दलदल भी है क्योंकि कितने दिनों से बरसात है, बारिशें आ रही हैं, इसलिए ना यहाँ घास काटना भी मुश्किल काम है। हर तरफ दलदल ही दलदल है, लेकिन कीचड़ वगैरह बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई नहीं, कोशिश करेंगे, देखते हैं कि क्या बनता है इंशाल्लाह। ये देख सकते हो क्या बात है भाई, हम तो चल भी नहीं पा रहे, पता नहीं घास कैसे काटेंगे, कोई नहीं। ये देख सकते हो क्या सीन है यार, अब जो कि मौसम बहुत ही खूबसूरत बन चुका है क्योंकि आसमान पर बादल छाए हुए हैं। इसके अलावा यार ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम तो आला किस्म का। अब जो कि नेक्स्ट हमारा मिशन है घास काटने का, चलते हैं घास काटते हैं। तो भैया ये देख सकते हो क्या सीन है, घास जो कि ना कम्प्लीटली घिर चुका है क्योंकि यार बारिशों की वजह से तेज़ हवाएं हैं, इसलिए ये देख सकते हो घास की क्या सिचुएशन है। अब यार इसे काटते हैं, देखते हैं कि क्या बनता है। तो फाइनली यार जो कि घास वगैरह काटना तो मैंने काट लिया, ये पीछे देख सकते हो जो कि मैंने घास काट लिया है, और इसके अलावा ना गधा रेड़ी पर डाल भी दिया है। अब इंशाल्लाह हम जा रहे हैं घर अपने डेयरी फार्म की जानब। खड़ ये अब यार ये क्या सीन हो गया, ये देख सकते हो ये तो घिर चुका है फाइनली। सो कोई नहीं, अब दोबारा इसके ऊपर रखते हैं। तो भैया एक और सीन ये है कि ना ये देख सकते हो ये अगर सफेद का दरख्त, सो इसकी शाखें वगैरह काटते हैं क्योंकि यह इसे मिसवाक बनाते हैं। सो मिसवाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी आए, सो मिसवाक तोड़कर साफ सफाई करेंगे सब कुछ। ये देख सकते हो मिसवाक तोड़ लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह चलेंगे अपने डेयरी फार्म की जानब। ये देख सकते हो पीछे क्रिंगू मेरी भी वेट कर रही है कि कब आएगा, कोई नहीं देखते हैं क्या बनता है। ये देख सकते हो मिसवाक, चल शाबाश चल। ये देख सकते हो यार ये क्रिंग गुना हमारा ट्रेन चुदा है, सो देख सकते हो कैसे जा रहा है। सो अब यार हम चलते हैं अपने घर की जाने। सो ये थी एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, देन यू गेट ऑल काइंड ऑफ नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड ऑन दिस चैनल। सो मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक आप सबका अल्लाह ने के बाद, सो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।